जिंदाबाद। पिताजी के चरणों में हमारा सादर नमन नमन। एक बताइए पिताजी, हमें किस लिए याद किया? एक बात मुझे बताओ बेटा। हाँ, मैंने सुना है यार तुमने जो है कि लड़कियों के साथ बहुत बदतमीजी किया है। कौन कह रहा है? अरे अभी शिकायत आई है, हो संभाल के चलो, अकेले ही आप हमारे राजकुमार हो। हमको दिखाओ कौन है था? अरे बड़े ऊंचे स्वर में बात कर रहा है, तुझे पता नहीं तेरे पिताजी बैठे हुए हैं और मेरे सामने ऊंचे स्वर में बात कर रहा है, बदतमीज कहीं का। हेलो, हंसराज कहने लगा बाजी हमारी समझ में हमारे पिताजी सठिया उठे हुए। हमको लग रहा है ये उठा सठिया गया है सठिया। अच्छा, हंसराज कहने लगा अब हमारी समझ में राज चलाने के काबिल तू राज के काबिल है। देखो बेटा, जो ये घर की प्रजा है इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है। बोलो तुमने ऐसा व्यवहार किया बेटा? अरे ये प्रजा है नाथ तुम्हारी, अरे इसे काव लगी हो ना दुखारी। कभी दुख मत देना। क्यों? मैंने बचपन से मन पाली बेटा ना करिए बदनामी। मैंने बचपन से मन पाली या। बेटा आज इधर कंसराज ने सोचा विचार किया, अब हमारे पिताजी बुजुर्ग हो गए, ए सिपाहियों ऐसा करो अब ये राज्य चलाने के काबिल नहीं रहा, आज इनको जो है कि साथ हाथ को के अंदर जा करके डाल दो और इसका मुकुट छीन लो और हमें अब जाकर के सात पाटलों को जेल के अंदर डाल दिया है। बूढ़े मनाइए समाज के ले जाए। अब कंसराज स्वयं मथुरा नगरिया को राजा बन के बैठी हो महाराज। अब सब इशारों पर चले महाराज। एक बात बता के महाराज, अब तो तुम राजा बन गए और हमारे मन कहा दे दो चार नोचने खानी ले आए दो चार महाराज नोचने खाने वाले ले आई और मदिरा पान के व्यवस्था कर दिया महाराज। मगर आज थोड़ा अगर नशा सा नहीं हो जाए तो महाराज तो जाने को डाल लेने हमारे घरे पटे दे भाई। इसकी तुझे बहुत फिक्र रहती है पर ये नहीं तुझे मालूम हमारे राज्य में कितना लागान पड़ा है, बाकी उसको वसूलना नहीं और कुछ काम नहीं। मंदिरों में कहीं कटवा दो, हमारे नाम से मूर्तियां बनवा दो और नोचने खाने वाले ले आओ। बुलवा भाई, राजा लोग गांव के नृत्य में बड़े खुश हुआ करते थे।